अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये है कल की वीडियो। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साशा की सर्वाइवल स्टोरी। हमारी जो छोटी साशा है, बड़ी साशा नहीं, छोटी साशा, छोटी मिनी की बहन, तो उसकी मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपको मैंने 4-5 दिन पहले एक व्लॉग में बताया था कि साशा बीमार है। तो उसके बाद जो है ना, साशा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और आप यकीन करें, साशा ना मौत के मुंह से वापस आई है। साशा की उस स्टेज पर जा चुकी थी ये, जिसके बाद कैट सर्वाइव नहीं करती यूजली। और हम लोगों ने बिल्कुल ये सोच लिया था कि अब साशा नहीं बचेगी, साशा का लास्ट टाइम आ गया है। तो लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला बेशक ज़िंदगी देने वाले हैं। तो हाँ, साशा के साथ क्या हुआ, कैसे ट्रीटमेंट किया, क्या कुछ हुआ, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं 2-3 दिन से, इसीलिए मैं ठीक से व्लॉग नहीं डाल रही थी, और मैं चाहती थी आप एक दफ़ा ठीक हो जाए साशा, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँ। तो ये जी, सुबह सुबह का टाइम था कल का, तो हम डॉक्टर के पास जा रहे थे। और हम लोगों ने ना पहले 2 दिन उसको हमने घर में ट्रीटमेंट किया था उसका, और फिर हमने उसको डॉक्टर के पास भी लेके जा रहे थे। डॉक्टर भी कर रहे थे और हम भी ट्रीटमेंट कर रहे थे इसका, और सुबह शाम इसको लेके जाना पड़ता था। तो हुआ क्या था साशा के साथ, साशा जो है ना, उसने पहले तो खाना पीना छोड़ दिया। विंटर्स में बहुत ज़्यादा कैट के साथ ये इशू होता है कि कैट्स ना पानी बहुत कम पीती हैं। तो साशा ने खाना पीना छोड़ दिया, और उसकी वजह से ना वो काफ़ी ना वीक सी होने लग गई, और उसको डायरिया भी हो गया स्टार्ट। तो हम जब उसको डॉक्टर के पास लेके गए, हमने घर में भी उसका टेम्परेचर पहले चेक किया, तो उस टाइम उसका टेम्परेचर आज से 3 दिन पहले उसका 99 था टेम्परेचर। हम उसको लेके गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि इसका टेम्परेचर ना डाउन की तरफ जा रहा है। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो क्लिनिक पहुँच के उसका टेम्परेचर हो गया 96। और जब डॉक्टर ने चेक किया तो साशा की जो किडनीज़ हैं वो अपने साइज से डबल हो चुकी थी। उसकी किडनीज़ ख़राब हो चुकी थी, बहुत फूल गई थी। और उसके जब कान चेक किए तो वो भी येलो, हर चीज़ येलो। साशा ना एट द सेम टाइम उसको डायरिया, उसकी किडनीज़ प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, और उसको वो जॉन्डिस की तरफ जा रही थी। अब जॉन्डिस क्या होता है कि कैट्स को भी जॉन्डिस होता है, और कैट्स बिल्कुल येलो सी हो जाती हैं, इनके अंदर ब्लड बनना रुक जाता है, कैट्स का लिवर बेसिकली काम करना छोड़ देता है। और ये एक ऐसी कंडीशन होती है, मतलब कि जब आपकी कैट बहुत ज़्यादा बीमार होती है ना, तो ये वो कंडीशन होती है। और जब जॉन्डिस में कैट होती है तो उसको बहुत हार्ट अटैक आने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है, चांसेस होते हैं। तो हम लोगों ने जब देखा तो हम सब बहुत घबरा गए। उतनी देर में डॉक्टर ने कहा कि आप ना इसको जो सारा उन्होंने ट्रीटमेंट करना था वो किया, और उन्होंने कहा आप इसको जल्दी से घर ले जाएं, क्योंकि आपने अभी देखे आते हुए कितनी सर्दी थी ना, तो इतनी ही सर्दी है 3-4 दिन से। तो हम लोग हीटर अपना साथ ही लेके गए थे, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर किसी भी कैट का डाउन होता है ना, तो सबसे पहले तो उसकी चीज़ आपने क्या करनी है, उसको आपने हीट देनी है। हर कैट ऑनर के पास घर में थर्मामीटर होना चाहिए, टेम्परेचर चेक करना आना चाहिए। और हमने ना हीटर अपना साथ ही ले आए थे, और उसके पास हमने लगा कर रखा। अब उसका टेम्परेचर इतना डाउन था, और लिवर के केस में जो है ना, ड्रिप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम इसको ड्रिप लगाते तो ड्रिप लगाने से क्या होता कि साशा का टेम्परेचर और डाउन हो जाता। तो फिर डॉक्टर ने ड्रिप नहीं लगाई, उसको सब कट दिया, उसकी स्किन के अंदर जो है ना फ्लूइड डाला। और इस तरह से हम सुबह को भी जा रहे थे सब कट लगवाने, शाम को भी जा रहे थे, एंटीबायोटिक्स भी दे रहे थे। और होम ट्रीटमेंट में हमने साशा को ना हर 1 घंटे के बाद हम उसको 10 ml की सिरिंज में हम इसको ORS वाला पानी दे रहे थे। तो जब हम लोग घर वापस आए हैं, आते ही हमने उसको हीटर के आगे रखा, लेकिन मैंने घर आके जब साशा का टेम्परेचर चेक किया तो उसका टेम्परेचर 95 पे चला गया। और 95 पे जब टेम्परेचर जाता है या उससे नीचे, तो कैट की डेथ हो जाती है, कैट ना शॉक में चली जाती है। जब हमने डॉक्टर को कॉल की कि हमने कहा डॉक्टर साशा का टेम्परेचर जो है वो 95 हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये मुझे बचती हुई नज़र नहीं आ रही है, बस आप देखें हीट दें, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं। हम लोगों ने सब, मैं भी काफ़ी उस दिन रोई, उस दिन मैंने वीडियो भी नहीं डाली, और बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग कि ये क्या हो रहा है साशा के साथ।
लेकिन इंसान को ना अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और लास्ट टाइम तक जो है ना वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमने साशा को ना कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर हीटर चलाए रखा, उसको हीट मिलती रहे, उसको ब्रशिंग हम लोग करते रहे, तो उसको साथ साथ में हम ORS वाला पानी भी दे रहे थे, चिकन सूप भी दे रही थी मैं उसको क्योंकि खाना नहीं खा रही थी, तो सिरिंज के साथ में चिकन की यखनी पिला रही थी इसको, और साथ में इसको हम लोगों ने डेक्सट्रोज भी पिलाया। डेक्सट्रोज एक छोटी सी ड्रिप होती है, 25% डेक्सट्रोज होता है, उससे ना जब कैट के जो है ना शॉक की हालत में जा रही होती है ना तो वो देने से एकदम से कैट में एनर्जी आ जाती है, तो वो भी हमने साशा को दिया। इस तरह से 3 रातों से मैं और फुज़ैल जाग रहे थे। जब हम नेक्स्ट डे सुबह को हमने फिर उसका टेम्परेचर चेक किया, सारी रात हम उसका ख्याल रखते रह गए, तो सुबह तक ना उसका टेम्परेचर 99 पे पहुंच चुका था और वो एक डेंजर जोन से बाहर आ चुकी थी। लेकिन साशा का डायरिया बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, देखें कैसे ग्रीन कलर का डायरिया हो रहा था और इतना शदीद डायरिया था कि पानी की तरह ना उठते बैठते निकल रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने उसको सेकंड डे पे आकर ना मैंने उसको थोड़ा सा खाने की तरफ मैं लेकर आई, ये मैंने कैट फूड जो होता है बिस्किट्स उसको मैंने ना ग्राइंड करके तो थोड़े से चिकन स्टॉक के अंदर डाल के तो वो मैं इसको दे रही थी थोड़ा थोड़ा सा ताकि इसके अंदर कुछ जाए, इसमें एनर्जी आए। और इतनी मेहनत के बाद डॉक्टर भी इंजेक्शन लगा रहे थे, हम इसको पानी दे रहे थे, फिर इसका यूरिन जो है ना इसने प्रॉपर पास करना शुरू किया, इसकी किडनीज़ वर्क करनी शुरू हुई। 3 दिन से ये कॉन्स्टेंटली हीटर के सामने है, लेकिन अब माशाल्लाह से इसका टेम्परेचर जो है वो 101 हो गया है, अब ये डेंजर जोन से बाहर आ गई है। और आज जो इसका थर्ड डे है, अभी हम लोग दोबारा मैं आपको दिखा रही थी कि आज के क्लिप्स हैं जब हम आज डॉक्टर के पास इसको सुबह लेके गए हैं सब कट लगवाने के लिए और इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो डॉक्टर ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि इसके अब जॉन्डिस की वजह से जो पेल कलर था इसके कानों का और इसकी स्किन का वो भी अब ठीक हो रहा है। तो हमने देखे ना, हमने हर तरह से कोशिश की इसको बचाने की और शुक्र अल्लाह का साशा बच गई। और जो साशा की हालत थी वही हालत मोंकी डोरा की थी, लेकिन मोंकी डोरा उस कंडीशन में नहीं सरवाइव कर पाए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साशा ने सरवाइव कर लिया अब साशा की। और आज जो है ना कंडीशन, आज साशा का डायरिया भी बहुत कम है, आज वो चलने फिरने के काबिल भी हो गई है, और खाना हम लोग अभी तक खुद ही खिला रहे हैं, खुद खाना नहीं खा रही, लेकिन पानी अब उसने खुद पीना स्टार्ट कर दिया है। तो अब आज हम डॉक्टर के पास लेके गए, कल से हम इसको जो है ना अब इंजेक्शन्स नहीं लगेंगे, इसको जो है सीरप सी पिलाएंगे। और पीछे से साशा बहुत गंदी है क्योंकि उसको डायरिया ऐसे था कि बस हर वक्त उठते बैठते निकल रहा था, और अभी वो जो उसका टेम्परेचर इतना डाउन था तो इसलिए मैं उसको अभी ना सिर्फ हम उसको क्लीन कर रहे हैं गर्म पानी से, टॉवल क्लीन गीला कर करके, लेकिन अभी हम वॉश नहीं कर सकते वरना उसका टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि साशा के नीचे ये एक ही चादर है जो वो गंदी कर रही है और हम रख रहे हैं, तो नहीं जी, ये मेरे पास 3-4 चादरें हैं इस तरह की सेम कपड़े में, तो मैं इसको चेंज कर करके साफ़ कर करके मैं रख रही हूँ। और अभी हम घर आ गए हैं और साशा को हम दोबारा खाना खिलाने लगे हैं। साशा, आपकी सीटर से दोस्ती हो गई है, ये देखिए साशा और खा लो। साशा को हमने खाना खिलाया, ये अभी थोड़ा सा साशा मौत के मुँह से माशाल्लाह बाहर आई है। हम कितने रातों से जाग रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। कान दिखाओ, ये देखें इसके कान कैसे पिंक हो गए हैं। चलो खाना खाएं। ये देखें जब कैट ठीक हो जाती है ना तो इस तरह करती है, अपना बाजू लिक करती है खाना खाने के बाद। बस साशा को नहला देंगे, ज़रा इसकी तबीयत संभल जाए तो हम इसको बाद दे देंगे, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। देखो इतनी बीमारी काटने के बाद भी माशाल्लाह कितनी फ्रेश है ना, ये पूरी टेल छेल बॉडी, फिर मुंह थोड़ा सा गंदा है क्योंकि वो इसे ORS वगैरह देते हैं उस वजह से। पहले ही हाइपोथर्मिया से बाहर आई है ना, तो हम फिर उसको वॉश नहीं कर रहे अभी ना। मरते मरते बची है। और साशा के पास ही सारे बेबीज जो हैं ये आके साशा के पास ही लेट गए, इनको हीटर के आगे बैठने का इतना शौक होता है, हालांकि इनके दूसरे रूम में इन्वर्टर इन पर चल रहा होता है, लेकिन फिर भी ये इस हीटर के सामने आके बैठे हुए हैं।
ब्राउनी, छोटी नूर, मोनी, छोटी मिनी और साशा उसके साथ सो रहे हैं। और साशा जो है अब बहुत बेटर है, अब टेम्परेचर उसका स्टेबल भी हो गया है, अब उसको मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, डायरिया भी काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा। सो बस उसको दुआओं में आप याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उसको ना जल्द अज जल्द सेहत याब करें। ये छोटी मिनो है जी, जी है ये छोटी, छोटी ब्रोनी भी आ गई। ये जब भी छोटी मिनो को बुलाओ ना, छोटी जीजी बोलो, तो बड़ी उठ के आ जाती है। अभी वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी तो उनको छोड़ के मेरे पास आ गई, कहने मुझसे पूछने लगी क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया, जबकि मैं बुलाए से रहा था। जब भी आपकी कोई कैट बीमार हो तो उसको लाजमी आप उसकी उसका लास्ट टाइम तक ख्याल रखें। तो जी बस आज की वीडियो यहीं तक है, तो अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी इंशाल्लाह ताला। चलें जी, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम सबको दुआ में याद रखिएगा और स्पेशली हमारी छोटी साशा को। अल्लाह हाफिज़।